खबर धौलपुर से। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के जखीरे के साथ दो हार्डकोर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दबिश के दौरान तीसरा बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए बदमाशों में डकैत लारा मीणा का भाई श्रीकेश मीणा और उसका साथी आशिक शामिल है, जबकि अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर भगवान दास मौके पर ही बैग छोड़कर फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने बताया कि गुरुवार दोपहर मुखबिर से सूचना मिली थी कि डकैत लारा मीणा का भाई श्रीकेश मीणा और उसका साथी दौसा निवासी आशिक तीसरे साथी अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर भगवान दास के साथ गाँव में छिपे हुए हैं, जिनके पास अवैध हथियारों का जखीरा है। सूचना मिलते ही बाड़ी सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह राजावत और पुलिस की टीम ने गांव की घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, जहां से एक अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर भगवान दास अपना बैग छोड़कर भाग गया, तो वहीं डकैत लारा मीणा का भाई श्रीकेश मीणा और उसके साथी दौसा निवासी आशिक को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि मौके से गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी श्रीकेश मीणा और उसके साथी आशिक ने पुलिस को 2-2 315 बोर के अवैध देशी कट्टे बरामद हो गए, जबकि मौके से फरार हुए तीसरे आरोपी भगवान दास के बैग से पुलिस को 315 बोर के 5 देसी कट्टे मिले हैं। पुलिस ने 9 अवैध हथियार के साथ 2 जिंदा कारतूस भी मौके से बरामद किए। मामले को लेकर एसपी शिवराज मीणा ने बाड़ी सदर पुलिस की कार्यवाही को लेकर बताया कि पुलिस की सजगता से बदमाशों द्वारा हथियारों की खरीद फरोख्त को रोका गया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाशों से हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं मौके से फरार हुए तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। अपराधियों पर अंकुश रखने और अपराध को खत्म करने के लिए जिले में गठित विशेष टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में अभी पिछले 24 घंटे में हमारी जो स्पेशल टीमें हैं उनके द्वारा 13 हथियार, अवैध जो हथियार हैं वो जब्त किए हैं। उसमें 315 बोर के हथियार हैं और 7 उनके जिंदा जो हैं। इसके अलावा 6 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। इस विशेष जो कार्रवाई की जा रही है उसमें साइबर टीम और हमारे वृत्ताधिकारी सरमतरा, वृत्ताधिकारी सिटी और डीएसपी की जो टीमें हैं उसके द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। और जो कार्रवाई की जा रही है उसके अंदर जुआ, सट्टा, अवैध शराब, बदमाश, संगठित अपराधी, उन सभी को हम मतलब चिन्हित करके उनके पूरा सूची बना रहे हैं। लगातार अंकुश रख रहे हैं और हथियारों की लगातार कार्रवाई है। अभी जो कि वर्ष 2022 में जनवरी का माह है, फरवरी के अभी 2-3 दिन निकले हैं, अभी तक जिले में 33 मुकदमे आर्म्स एक्ट में दर्ज किए गए हैं और इसमें 34 जो है अपराधी अरेस्ट किए गए हैं, 40 अवैध हथियार और 75 जिंदा कारतूस हमने जब्त किए हैं। जो गत वर्ष की अगर तुलना करें तो ये संख्या काफ़ी अधिक। अभी जो आज जो अभी मुकदमा अभी अंतर्राज्यीय गिरोह है आर्म्स का सप्लाई करने का, इस तरह की जो सूचना हमें मिली थी जो सोनीपुर गांव का जो पूर्व डकैत जो लारा है और उसका भाई भगवान दास और श्री केस के बारे में हमें सूचना मिली थी, हमारी टीमें वहां पर गई तो उस लारा के भाई श्री केस को अरेस्ट किया, उससे हथियार बरामद किया, जिंदा कारतूस बरामद किए, एक आशिक नाम का जो बाहर से खरीदार आया हुआ था उसको भी अरेस्ट किया, उससे भी हथियार बरामद किए हैं अभी और उसमें जिंदा कारतूस भी मिला है। भगवान दास के हाथ में जो बैग था वो टीम को देकर वो हालांकि निकल गया, लेकिन उससे भी करीब 6 हथियार उससे मिले हैं। तो लगातार हमारी कार्रवाई जारी है और टीमें पूरे जोर से कार्रवाई कर रही है और हमारा यही देश है कि धौलपुर के अंदर इस तरह से मिलकर करता हथियारों का सफाया हो और हमने सभी तरह के संगठित अपराधी और जो अपराधी ब्रांकेश रखने के जो टीमें बनाई गई है उसका हमने एक ऑपरेशन